वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को साहुल ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ। वो ऐसा ब्लॉग है दोस्तों जिसे आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलते हैं ब्लॉग के तरफ। ब्लॉग तरफ जाने से पहले दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। देखिए दोस्तों, मेरी दादी एक कहावत कहेगी। क्या है कहावत, फिर से बोली मामा? दोस्तों ये जो शिवाला देख रहे हैं, ये जो मंदिर है ये हमारे सधुआइन मामा बनवाए हैं। देखिए कैसा लग रहा है। मेरे मोहल्ला के जितना भी पूजा वूजा होता है सब यहीं पर किया जाता है। जितना भी फंक्शन आर भी होता है दोस्तों इसी मंदिर में किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर ही देखिए यहाँ पर मंदिर है, जैसा कि देख सकते हैं अंदर पूजा हो रहा है। देखिए मंदिर। अब मैं सधुआइन मामा बनवाए हैं इस मंदिर को। वो अब तो इस दुनिया में रहे नहीं, ये उनके पुत्र हैं नरेशरा बाबा। देखिए मेरे दादाजी हैं बाबा। बताइए मंदिर कब बना बाबा? ये मंदिर 62 कार्निश था, ये 59 में बना है। 59 से पहले 1959 हाँ 159 हाँ 59 के पहले। यानी कितना साल हो गया बाबा? मतलब यानी कम से कम 41 बरस में ही बना है, स्थापना किए हैं। 50 में 150 में ही स्थापना किए हैं। हमारा हुआ 76 बरस उम्र। और दादी को मतलब मरला भी हो गया होगा 8-10 साल। हाँ देखो ये लिख देखिए मंदिर का स्थापना में ओम नमः शिवाय मेरा हाथ में लिखा हुआ है। हाथ पर लिखवाए थे ये सधुआइन मामा के पुत्र हैं। और देखिए उनके ये सभी फैमिली हैं। ये देखिए उनकी बहू भी है। बताइए मामा आप कैसे हैं? उससे कोई दिक्कत नहीं मामा। आपसे ऑडियंस जानना चाहती है कि ये जो मंदिर बन रहा था आप उस समय थे? नहीं थे। यानी इनका इस जो मंदिर बन रहा है दोस्तों बन रहा था उस समय इनका भी शादी नहीं हुआ। इनको जो 5-6 को अथी है बाल बच्चा भी है। देखिए ये उनकी बहू है और ये इनकी बेटी है और ये पोता हुए। यानी जो लड़का देख रहे हैं ये शिवानी मामा को पर पोता हुआ। दोस्तों इस मंदिर की व्याख्या जितना किया जाए उतना कम है। दोस्तों ये जो हमारे स्वर्गीय दादी शिवानी राम जो कर दिए हैं आज के ज़माने में कौन करेगा दोस्तों। देखिए मंदिर बनवा दिए हैं। पहले पूजा करने में बहुत दिक्कत होता था दोस्तों, उन्हीं का देन है जो ये मंदिर बनवाए हैं। देखिए लाइट उट भी लगवा के गए हैं। उनको देहांत होला भी हो गया 8-10 साल दोस्तों। देखिए अभी फिलहाल इसमें यही लोग पेंट करवाए हैं। देखिए जैसा कि देख सकते हैं अभी लगा हुआ है, अभी इस साइड पेंट भी नहीं हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर एक चापाकल भी गड़वाए थे दोस्तों, लेकिन किसी कारणवश खराब होने के वजह से वो उनका देहांत हो गया तो देखिए चापाकल भी नहीं बना है। लेकिन फिर भी इनका बेटा जो अथी समरसेबुल करवा दिए हैं ताकि पुजारी और को कोई दिक्कत ना होवे। देख सकते हैं पहले दोस्तों इधर और चिक्कन उक्कन रहता था, लेकिन अभी क्या करें अभी पानी का निष्कासन नहीं हो पाया है जैसे वजह से इधर पानी यहीं जमा रहता है दोस्तों। देख सकते हैं